उ तैयारी का दिन रहल। यहूदी लोग ना चाहत रहलन कि सबत के दिन लाश क्रूस पर रह जाओ, काहे कि उस सबत के दिन बड़का त्योहार पड़त रहे। और पिलातुस से विनती कैलन कि उनकर गोड़ तोड़ देहल जाओ और लाश हटा देहल जाओ। ऐसे सिपाही लोग आके पहिलका के टांग तोड़ देहलन और दोसरका के भी जोन उनकरा साथे क्रूस पर चढ़ावल गए। पर जब यीशु के लगे आके देखलन सर कि वो मर चुकल बाड़न तो उनकर टांग ना तोड़लन। बाकी सिपाही लोग में से एगो बरछा से उनका पजरी में भोकलस तो उमें से तुरंत खून और पानी बह निकलल। ई बात ऐसे भइल कि पवित्र शास्त्र में ई बात पूरा होके उनकर कौनो हड्डी ना तुरल जाई। फिर एगो और जगह पर लिखल बा जवन उनकरा के भोकले उ लोग उनकरा पे नजर करी। जब सांझ हो गई तो ऐसे कि तैयारी के दिन रहे जवन सबत के दिन के एक दिन पहले होला, अरमतिया के रहे वाला यीशु पैलन जे इज्जतदार मंत्री और परमेश्वर के राज के बाट जोहत रहलन उ हिम्मत करके पिलातुस के लगे गईलन और यीशु के लाश मंगलन। पिलातुस अचरज कैलन कि यीशु इतना जल्दी मर गईलन और सूबेदार के बुला के पूछलन का यीशु के मरले कितना देर भई। ऐसे जब सूबेदार के द्वारा जान लिहले कि यीशु मर गईलन तलाश यूसुफ के दिहवा दिहले। निकोदेमुस भी जवन पहले यीशु के लगे रात के गईल रहलन करीब 50 सेर मिलावल गंधरस और एल्बा ले अइलन। तब उ लोग यीशु के लाश के लेके और यहूदी लोग के गाड़े के रीति के अनुसार महकौवा सामान के साथ कफन में लपेटलन जा। ओ जगह पर जहां यीशु के क्रूस पर चढ़ावल गईल रहल एगो बगीचा रहे। ओमे एगो नया कबर रहल जौना में केहू कबहू ना रखल गईल रहे। और यहूदी लोग के तैयारी के दिन रहला के कारण उ लोग यीशु के वही में रखला काहे कि उ कबर नजदीक रहल।